नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आइए दिन भर की तमाम खबरों के बाद रुख करते हैं हल्द्वानी की मुख्य खबरों की तरफ। हाईकोर्ट नैनीताल ने हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को राहत नहीं दी है। कोर्ट मामले में दाखिल पांचों जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की अगुवाई वाली खंडपीठ को भेज दिया गया है। कैची धाम में स्थापना दिवस के मेले के चलते आज हल्द्वानी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम जाने के लिए निकले। रोडवेज प्रबंधन ने हल्द्वानी से 10 अतिरिक्त बसों का संचालन करा। नैनीताल और भवाली के लिए बसें खचाखच भरकर रवाना हो रही हैं। रोडवेज प्रबंधन ने बताया कि बसें शाम तक फेरे लगाएंगी। हल्द्वानी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना के दूसरे चरण का कार्य जल्द शुरू होगा। इसके लिए जल संस्थान को जिला प्रबंधन परियोजना इकाई से 51 योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है, जिससे शहर की 2,00,000 आबादी क्षेत्र में 120,50,00,000 रुपए से पेयजल लाइन, ओवरहेड टैंक और नलकूपों का पुनर्गठन कर पानी की समस्या दूर की जाएगी। हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा राजपुरा के वार्ड नंबर 12 में क्षेत्र के पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को बिना बताए देर रात सड़क का काम शुरू किया गया था। इस दौरान सड़क को सही से खोदा नहीं गया, जिसके चलते सड़क कमजोर होगी और जल टूटने के भी आसार होंगे। इस मामले में क्षेत्रीय पार्षद राधा आर्या और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचकर अधिशासी अभियंता का घेराव किया और मामले को संज्ञान में लेने की मांग की है। भीषण गर्मी के चलते हल्द्वानी की जनता का जीना दुश्वार हो गया है। हर दिन 35 से 40 डिग्री के बीच रह रहा तापमान मुश्किलों में काफी इजाफा कर रहा है। इसके साथ ही शहर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से लोग और भी ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में मानसून की जल्द से जल्द शुरुआत होगी, तभी लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकेगी। तो हल्द्वानी की मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।